सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? आज दिनांक क्या है? आज दिनांक 8 जनवरी 2021। प्रकरण बच्चों, आज हम सब भाषा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे भाषा के कितने घटक होते हैं? भाषा के 4 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। अब वर्ण से कहते हैं जो अक्षर, जी वो अक्षर जिनके खंड नहीं किए जा सकते, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वैसे वर्ण होता है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और भाषा की 2 इकाइयाँ होती हैं मूल रूप से। तो एक इकाई होती है लिखित और दूसरी इकाई होती है मौखिक। लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? लिखित इकाई को वर्ण कहा जाता है। और मौखिक इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। फिर आता है वर्णमाला। भाषा के 4 घटक बताए थे मैंने। पहला बताया था वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। अब वर्ण तो मैंने बता दिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। भाषा की 2 इकाइयाँ होती है, एक लिखित इकाई होती है और एक मौखिक इकाई होती है। लिखित इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और मौखिक इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि। अब ये क्या है? ये भाषा के घटक है। और वर्ण के बाद में क्या आता है? शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जैसे मैंने कै वर्ण लिख दिया, उसके बाद में मैं लिख दिया, उसके बाद लै वर्ण लिख दिया। अब तीनों का योग करेंगे, तीनों को मिलाएंगे, यानी इनका सार्थक रूप को, इन तीनों के सार्थक रूप को क्या कहेंगे? हम शब्द कहेंगे। तो तीनों का सार्थक रूप क्या हो गया? कमल। पहले ये तो तीनों क्या थे? अलग अलग वर्ण थे, जैसे कै वर्ण, मै वर्ण और लै वर्ण। अब तीनों को मिलाएंगे, तीनों का सार्थक रूप करेंगे तो क्या हो जाएगा? कमल। तो उसके बाद में भाषा का 3रा घटक कौन सा है? पद। पद में क्या होते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। जैसे मैंने कह दिया सीता नाटक देख रही है। जैसे सीता नाटक देख देखना, ये सब हो गया। तो 3रा है अपना पद। तो तीन पदों में क्या होता है कि शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। कैसे? जैसे सीता नाटक देखना। अब तीनों को मैं इनके बीच में कुछ योजक चिन्हों का प्रयोग करूंगी, कुछ कारक चिन्हों का प्रयोग करूंगी, तो ये सब क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। और फिर वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? कि पदों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। अब मैंने लिखा, मैंने बताया आपको सीता नाटक देखना। अब इनमें कुछ कहीं पे मैंने योजक चिन्ह लगा दिया, कहीं पे मैंने कारक चिन्ह लगा दिया, तो फिर ये क्या बन जाएगा? एक वाक्य बन जाएगा। भी सीता नाटक देख रही है, सीता टीवी देख रही है, सविता पढ़ रही है। अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे। हमारा टॉपिक क्या है? वर्ण विचार। अब वर्ण विचार में वर्णमाला शब्द भी आता है। वर्णमाला शब्द किसे कहते हैं? वर्णमाला से आप लोग क्या समझते हैं? वर्णमाला शब्द से हमें पता चल रहा है, माला यानी वर्णों का, वर्णों को किस प्रकार एक माला के रूप में, एक तार में पिरोया जाना, उसे क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। अब वर्ण विचार। वर्ण विचार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन। अब स्वर किसे कहा जाता है? स्वर उन ध्वनियों को कहा जाता है कि जिनका उच्चारण करते वक्त हमें अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। व्यंजन। व्यंजन में क्या होते हैं? व्यंजन अपने आप में अधूरे होते हैं, पूरे नहीं होते। स्वर अपने आप में क्या होता है? पूर्ण होता है। और बल्कि व्यंजन होते हैं वो अधूरे होते हैं। व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर ध्वनियों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, तभी उन्हें क्या कहा जाता है? व्यंजन कहा जाता है। अब हम आगे स्वर के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे और उनके बाद में हम व्यंजन के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वर के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है। किनके आधार पर? उच्चारण काल के आधार पर। उच्चारण के आधार पर पढ़ेंगे, फिर हम जिह्वा के आधार पर पढ़ेंगे, उसके बाद में हम ओष्ठाकृति, होठों की आकृति के आधार पर पढ़ेंगे,
उसके बाद में हम मुखाकृति के आधार पर पढ़ेंगे। स्वर को हम कितने प्रकार के माध्यम से जानेंगे, उच्चारण काल के आधार पर जानेंगे, उच्चारण काल के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, जीवा के आधार पर कितने भेद होते हैं, ओष्ठाकृति के आधार पर कितने भेद होते हैं और मुखाकृति के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम उच्चारण काल के आधार पर जान लेते हैं कि उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से, लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम सब जानते हैं लघु स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, हालांकि प्लुत स्वर के बारे में नहीं जानते। तो लघु स्वर कौन कौन से होते हैं, जो हिंदी में मूल स्वर होते हैं उन्हें ही लघु स्वर कहा जाता है। हिंदी में मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अ, ई, ऊ और री, ये चारों क्या होते हैं, हिंदी के मूल स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर में भी आगे 2 प्रकार के स्वर होते हैं। दीर्घ में एक तो संधि स्वर होते हैं और एक संयुक्त स्वर होते हैं। लघु स्वर में तो 4 ही होते हैं, अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर होते हैं उनके भी आगे 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है संधि स्वर और दूसरा होता है संयुक्त स्वर। अब संधि का अर्थ क्या होता है कि वर्णों को जोड़ना, मेल करना, जैसे कैसे मेल करना, जैसे संधि में तो 2 समान वर्ण होते हैं, 2 समान स्वर होते हैं। संयुक्त में क्या होता है कि दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे संयुक्त यानी परिवार में, तो परिवार में जैसे अपने एक परिवार में महिलाएं नहीं होती, महिलाओं के साथ में कुछ पुरुष भी होते हैं, कुछ बच्चे भी होते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त कहा जाता है। उसी प्रकार संधि में क्या होता है कि 2 समान वर्ण होते हैं, 2 समान स्वर होते हैं। अब संधि स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे आ है, ई, ऊ, ये तीनों क्या है, संधिस्थ स्वर है। अब आपको पता है कि आ का निर्माण कैसे हुआ, ए धन ए, दोनों के योग से क्या बना, आ, ई धन ई के योग से क्या बना, ई। उसी प्रकार ऊ धन ऊ के योग से क्या बना, ऊ। अब आगे आते हैं हमने संयुक्त स्वर के बारे में। तो संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, आपको पता ही है कि 2 भिन्न स्वरों के निर्माण से बने स्वर होते हैं, उनको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। अब संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, ए, ऐ और औ। ए भी होता है, ऐ भी होता है, ओ भी होता है, औ भी होता है, 4 होते हैं संयुक्त स्वर। कौन कौन से होते हैं, ए, ऐ, ओ, औ, संयुक्त स्वर 4 होते हैं। जैसे ए का निर्माण किससे होता है, ए और ई दोनों के निर्माण से, दोनों के योग से किसका निर्माण होता है, ए का निर्माण होता है। जब ए और ई स्वर मिलते हैं, जब दोनों का संयुक्त रूप होता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, ए। उसी प्रकार ऐ है, तो ऐ में क्या होगा, ए प्लस में ई के योग से किसका निर्माण होगा, ऐ का निर्माण होगा। इसी प्रकार ओ, ओ में ए धन ऊ, दोनों स्वरों का जब मेल होगा, दोनों स्वरों के मिलाप होने पर, मेल होने पर किसका निर्माण होगा, ओ। तो इसमें मैंने क्या कहा था कि संयुक्त स्वर, संयुक्त में क्या होता है कि 2 भिन्न भिन्न स्वर होते हैं, इसमें ए ई दोनों क्या है, अलग अलग है। जिस प्रकार परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं, उसी प्रकार संयुक्त स्वर में भी दोनों अलग अलग होते हैं। और संधिस्थ स्वर में क्या होते हैं, दोनों समान स्वर होते हैं। अब आगे तीसरा कौन सा बच गया, प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर कौन सा होता है, होता है जिसे अपने कहते हैं ना हिंदी में, जैसे अस की तरह लिखते हैं, अस आकृति का, जिसपे अपने एरो नहीं लगा सकते, उस पर लाइन नहीं लगा सकते, जैसे इन्हें क्या कहा जाता है, वैसे अवग्रह भी कहा जाता है। अब इस चिन्ह को क्या कहेंगे, क्या नाम देंगे, जैसे बच्चे का पूछ लेते हैं, मैडम ये अस है, तो इन्हें क्या कहेंगे, वैसे तो हिंदी में इसे प्लुप्त स्वर कहा जाता है, लेकिन इनका नाम लेंगे तो नाम इनका क्या होता है, अवग्रह। इन्हें क्या कहा जाता है, अवग्रह कहा जाता है। हालांकि ये बल्कि हमें हमारे हिंदी में इनका कम प्रयोग होता है, संस्कृत शब्दों में इनका ज़्यादा प्रयोग होता है। वैसे किसी दूरस्थ व्यक्ति को, दूर के व्यक्ति को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए अपने अवग्रह का प्रयोग किया जाता है। अब आगे अपने जीवा के आधार पर स्वरों के भेद पढ़ेंगे। अब आपको पता चल गया संधि स्वर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, संधि स्वर कितने होते हैं, संधि स्वर
दो होते हैं। जिह्वा के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वरों के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? अगर, अगर स्वर, मध्य स्वर और अंतस्थ, सॉरी पश्च स्वर। पश्च या अंत दोनों एक ही बात होगी। अगर का यानी पहला भाग और मध्य का बीज वाला भाग और पश्च का अंतिम भाग। अगर में कौन कौन से स्वर आते हैं? ई, ई, ए, आई और मध्य में आ, ए। मध्य में कौन सा स्वर आता है? ए। और पश्च में आ, ऊ, ऊ, ओ, औ। अब जिह्वा के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं? अगर, मध्य, पश्च। अगर में कौन कौन से आते हैं? ई, इ, 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 ए, ऐ और मध्य में ए, पश्च में आ, उ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, अब आगे अपने ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद पढ़ते हैं। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब पता चल रहा है, नाम से ही अर्थ का पता चल रहा है। वृत्ताकार में क्या होता है? वृत्ताकार में यह होता है कि होठों की गोलाई हो जाती है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो होठ गोल रूप धारण कर लेते हैं, जैसे उ उ। वृत्ताकार में कौन कौन से स्वर आएंगे? उ उ, ओ, औ। जब हम इनका उच्चारण करके देखते हैं तो होठों की आकृति होती है वृत्त के समान हो जाती है। उसी प्रकार अवृत्ताकार में क्या होता है कि होठों की आकृति है वो वृत्ताकार न होकर किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे ए, आ, अपने होठ वो गोलाई तो नहीं ले रहे, ई, ई, ए, ऐ। ये स्वर होते हैं वो अवृत्ताकार होते हैं और वृत्ताकार उ, ऊ, ओ, औ। अब आगे चौथा कौन सा बच गया? मुखाकृति। मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार। कौन कौन से? संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। सबसे पहले अपने विवृत स्वर के बारे में पढ़ते हैं। विवृत का अर्थ होता है पूरा खुला हुआ। मुंह क्या होता है? मुख होता है। वो क्या होता है? पूरा खुला हुआ होना चाहिए। जैसे अपने कौन से स्वर का उच्चारण करेंगे तो मुख पूरा खुला हुआ होता है, जैसे आ। कौन से का? आ। आ स्वर क्या है? विवर्त स्वर है। और अर्ध विवर्त में क्या आएगा? अर्ध विवर्त में है ए, ओ, ऐ, औ और ए। ये तीनों स्वर क्या है? अर्ध विवर्त है। अर्ध विवर्त में मुख पूरा खुला नहीं होता। और विवर्त में क्या होता है? मुख पूरा खुला होता है। उसी प्रकार स्वृत में क्या होता है? मुख न तो बंद होता है और न खुला हुआ होता, थोड़ा सा खुला हुआ होता है, जैसे ई, ई, उ, उ। इसमें क्या है? इ, ई, उ, उ। अपने इनका उच्चारण करते हैं ना तो मुख पूरा खुला हुआ नहीं होता और मुख बंद भी नहीं होता। और अर्ध स्वृत में क्या होता है कि मुख थोड़ा सा खुला होता है, इसमें तो बंद सा दिखाई देता है इनका उच्चारण करते हैं तो। और अर्ध स्वर्त में जब उच्चारण करते हैं तो मुख थोड़ा सा खुला हुआ दिखाई देता है, जैसे ए और ओ। अब आगे हमने क्या पढ़ लिया कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को हमने विस्तार से पढ़ लिया कि मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। अब आगे हम व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। उच्चारण काल के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। उच्चारण काल के आधार पर व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन और
अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। अब तीनों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। अब स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? जब इन व्यंजनों का, जैसे कैवर्ग, कैवर्ग हो गया, चैवर्ग हो गया, टैवर्ग हो गया, तैवर्ग हो गया और पैवर्ग हो गया, यानी क ख ग घ न च छ ज ज न ट ठ ड ड न त थ द न प फ ब म, ठीक है। यानी कैवर्ग पूरा, चैवर्ग पूरा, टैवर्ग पूरा, तैवर्ग पूरा और पैवर्ग पूरा। अब इन्हें स्पर्श व्यंजन कैसे कहते हैं? जब इनका उच्चारण करते हैं तो होठ, जीवा, तालु, दंत, इनका क्या होता है? आपस में स्पर्श होता है। इनका उच्चारण करते वक्त इनका क्या होता है? इन चारों का अपने आपस में स्पर्श होता है, मिलाप होता है, मेल होता है, तब इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब पता चल गया स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती है। अब आगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। य, र, ल, व। अब इन अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन उन व्यंजनों को कहा जाता है जिनका उच्चारण तो न तो अष्टाकृति, उनका उच्चारण करने में न तो स्वरों की सहायता ली जाती है और न व्यंजनों की सहायता ली जाती है, बल्कि इनका अलग ही उच्चारण होता है। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। य, ल, य, र, ल, व चार होते हैं। अब आगे अपने उष्म व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो उष्म नाम से पता चल रहा है जब इनका उच्चारण करते हैं तो गर्म श्वास वायु बाहर निकलती है। जब इनका उच्चारण करते हैं संघर्ष के कारण गर्म श्वास वायु बाहर निकलती है तब इन्हें उष्म व्यंजन कहा जाता है। उष्म व्यंजन कौन से होते हैं? श, श, स, ह। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, श, स, ह। उष्म व्यंजन भी चार होते हैं, अंतस्थ व्यंजन भी चार होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ये तो हमने व्यंजनों के जो प्रकार है किनके आधार पर पढ़ा है? उच्चारण काल के आधार पर पढ़े हैं। उच्चारण काल के आधार पर स्वर व्यंजन के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब हम प्रयोग या संरचना के आधार पर व्यंजनों के प्रकार पढ़ेंगे। किनके आधार पर? स्पर्श या प्रयोग या संरचना के आधार पर। प्रयोग या संरचना के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। व्यंजनों के कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिकीय व्यंजन, परकंपित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, अर्धस्वर, अर्धस्वर व्यंजन। अब हम स्पर्श व्यंजनों के बारे में जानेंगे कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें जीवा और होठ दो का स्पर्श होता है। अब कौन कौन से होते हैं? कैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग। ये चार वर्ग होते हैं ना, ये किस में आते हैं? स्पर्श व्यंजन में आते हैं। और स्पर्श संघर्षी में क्या होता है कि इनका उच्चारण करने के लिए हमें जब श्वास बाहर निकलती है, संघर्ष करते हुए बाहर निकलती है, तो ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? च, छ, ज, झ। और नासिक के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंग, न, अन, न, मैं। नासिकीय व्यंजन का तो पता ही चले गया कि जब उच्चारण करते हैं श्वास वायु नाक और मुंह दोनों के माध्यम से बाहर निकलती है। और परकंपित, जब जब इन
जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा में क्या होता है, कंपन होता है, लुढ़कती हुई बाहर निकलती है, श्वास वायु को जीवा बाहर फेंकती है, उक्षिप्त करती है, तब इन्हें क्या कहा जाता है, प्रकंपित कहा जाता है। प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है, रह। रह का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा में क्या होता है, कंपन होता है। और लुंठित, लुंठित में लुढ़कती हुई श्वास वायु जीवा के ऊपर से, जीवा जब इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी श्वास वायु क्या होती है, जीवा के ऊपर से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है, तो इसे क्या कहा जाता है, लुंठित व्यंजन कहा जाता है। लुंठित व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ड और ढ। कौन कौन से होते हैं, ड और ढ। संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे तो वैसे तो स्पर्शी में आते हैं, क ट त प और स्पर संघर्ष च छ ज झ, लेकिन इनमें कुछ अपवाद रूप होते हैं संघर्षी में, क ख ज प फ, कुछ व्यंजन होते हैं जो संघर्ष व्यंजन होते हैं। इनमें से अर्धस्वर कौन से होते हैं, अर्धस्वर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य और व। आज बच्चों हमने किन किन के बारे में अध्ययन किया, वर्ण विचार के बारे में अध्ययन किया। वर्ण दो प्रकार के, वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। वैसे भाषा की दो इकाइयां होती है, एक मौखिक इकाई होती है और एक लिखित इकाई होती है। मौखिक इकाई को तो वर्ण कहा जाता है और लिखित इकाई को ध्वनि कहा जाता है। उसी प्रकार वर्णों के भी हमने प्रकार पढ़े। वर्ण विचार में, वर्ण विचार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर और व्यंजन। हमने स्वरों के भी उच्चारण के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, जीवा के आधार पर इनके प्रकारों का वर्णन किया, प्रकारों के बारे में जाना। उसी प्रकार व्यंजनों में भी हमने क्या किया, उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, उपयोग या संरचना के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन होते हैं, इन सब के बारे में आज हमने अध्ययन किया।